हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरबजीत सिंह और आप देख रहे हैं टेक केस के। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि रियलमी GT Neo 2 में आप बैकअप एंड रिस्टोर कैसे कर सकते हैं किसी भी फाइल का। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों आपको एडिशनल सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं बैकअप एंड रिसेट सबसे नीचे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको बैकअप एंड रिस्टोर पर क्लिक कर देना है। और अगर आपने अपने फ़ोन में कोई भी पैटर्न या फिर स्क्रीन लॉक सेट किया है, पहले आप उसे ओपन कर लेंगे और आपको लोकल बैकअप्स की ऑप्शन मिल जाएगी, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर न्यू बैकअप पर क्लिक कर देंगे बैकअप क्रिएट करने के लिए। और यहाँ पर लोडिंग होगी। लोडिंग होने के बाद यहाँ पर आपको दिखाएंगे डाटा, आप देखते हैं कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस, कॉल लॉग्स, ऐप्स वगैरह। जिस भी डाटा का आपको बैकअप क्रिएट करना है आपको सिंपली उसे ऐसे सिलेक्ट कर लेना, स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे और बैकअप क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर 100% बैकअप कम्प्लीट लिखा आ गया, बैकअप कम्प्लीट हो चुका है और डन पर क्लिक कर देंगे और ये हमारा बैकअप क्रिएट हो चुका है। अब इस बैकअप को रिस्टोर करने के लिए आपको सिंपली ये देखते हैं डेट और टाइम के साथ यहाँ पर शो हो रहा है, इस पर हमें क्लिक कर देना और सिलेक्ट कर लेना। अब देखते हैं रिस्टोर डाटा और यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे, रिस्टोर होना शुरू हो जाएगा।